बेसिकली हम इस्लामिक फेमनिज़म पे बात करेंगे और इस्लामिक फेमनिज़म में ये है कि जो औरतें वीमेन राइट्स की बात इस्लामिक पर्सपेक्टिव से करती हैं वो दो टाइप के लोग हैं मर्द भी और, और औरतें भी एक जो वेस्ट में बैठ के इस्लामिक फेमनिज़म की बात करती हैं और एक जो अपने मुल्कों में ईस्ट में ही बैठ के फेमनिज़म पे बात करती हैं अच्छा मैं जब भी कभी आपको लेक्चर देती हूँ तो मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि इस टॉपिक को जैसे मैंने समझा वैसे मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ पढ़ा रही हूँ ठीक है मेरी जितनी समझ है अब हो सकता है कि uh, कहीं आई माइट नॉट बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स और कल वक्त आप जब इसको ज़्यादा पढ़ना चाहें और पढ़ें तो आपको समझ आए कि नहीं इसकी ये ये भी एलेबरेशन हो सकती है तो मुझे जितनी समझ आई है मैं उस तरह से आपको इसको क्लियर करूँगी मेरा ख़्याल है कि मेरी काफ़ी डीप इसके ऊपर स्टडी है लेकिन रात को मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें काफ़ी क्रिटिक था इस्लामिक फैमनिज़म पे और मुसलमान औरतों ने नहीं किया हुआ था ज़्यादातर इजिप्शियन राइटर्स ने किया हुआ था लेकिन मैं उस क्रिटिक में वो सिर्फ टर्मिनोलॉजी की क्रिटिक है कॉन्सेप्ट की क्रिटिक नहीं है मैं कॉन्सेप्ट जो बता रही हूँ वो सही है लेकिन क्योंकि वेस्ट की भी औरतें बात कर रही हैं तो वो ये कहती हैं कि जो वेस्ट में बैठ के बात कर रही है ना उसकी एक अपनी समझ है जैसे कल किसी स्टूडेंट के साथ हम ये बात कर रहे थे कि जो वेस्ट में पर्दे की बात है तो वो वहाँ का इंडिजनस इशू है और वो उस तरह से वो कर रही होती हैं आप और मैं जब पाकिस्तान में इंडिया में या इंडोनेशिया में अगर वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारी एक डिफरेंट स्टैंड है उसका तो आपको समझ आया कि ईस्ट और वेस्ट के फेमनिज़म के स्टैंड की बात हो रही है सो so, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो फेमनिज़म्स हैं वैसे भी जो मैंने पहला लेक्चर दिया था फेमेिज़म का मैंने आपको कहा था कि फेमनिज़म हैज़ नो बाउंड्रीज़

या उनकी सोच है राइट right? और मैं ये भी कहती हूँ कि फेमिनिज्म इज़ अ प्लांट विच ग्रोज इन इट्स ओन सॉयल ठीक है ना? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात कही कि वेस्ट की जो औरत है और वो अमेरिका में रह रही है तो वो फेमिनिज्म की जो बात करती है प्रोबेबली शी शी कैन बी इन्फ्लुन्स बाय द वेस्टर्न यू नो कॉन्सेप्ट या ये भी हो सकता है कि उसका नॉलेज ज़्यादा है तो वो ये बात कर रही है ठीक है क्योंकि वेस्ट में ज़रा नॉलेज अटेन किया जाता है वहाँ पे डिस्कस किया जाता है वहाँ पे निगेट किया जाता है तो वो जो निखर के चीज़ सामने आती है हम तो यहाँ पे सवाल करें ना करें मैम से पूछें ना पूछें पता नहीं पास करेंगी फिर फेल ना कर दें ये मतलब हम तो ये भी होता है यहाँ पे और फिर जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होती है वो हमने देखी है कि वो लेग पुलिंग हो रही होती है अच्छा ये बड़ा प्रोफेसर आया ठहरो जी इसको सवालात करते हैं चार बंदे मिल जाते हैं तो हमारे यहाँ वो इंटेलेक्चुअल चीज़ें नहीं होती तो इसलिए मैं कहती हूँ कि वो बेहतर भी हो सकता है हाँ अगर कोई uh, कायरों में बैठे हैं इजिप्ट में बैठे हैं और स्कॉलर्स uh, बैठे हैं जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस कर रहे हैं वीमेन राइट्स को इस्लामिक वर्ल्ड में डिस्कस कर रहे हैं यस आई कैन बिलीव दे आर सीरियसली टॉकिंग अबाउट इट एंड दे कैन कम अप विद एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट इंडिजिनस एंड दैट इज़ द प्लांट विच इज़ ग्रोइंग देयर फ्राम इस्लामिक परस्पेक्टिव इस्लामिक परस्पेक्टिव में भी आपको पता है कि ईरानियस का अपना स्टैंड है आम इशूज़ पर भी है ना अजमी और उसका जो कॉन्सेप्ट है सऊदी अरब का अपना एक कॉन्सेप्ट है मिडल ईस्टर्न जो हैं मतलब कितने एक इन्फ्लुएंस हैं वैसे आप ये भी देख लें तो फिर आ, औरत को सऊदीया में ड्राइव नहीं करने देनी महरम होना है ये होना है चिप लगी हुई है एयरपोर्ट पे औरत अगर चली जाए चिप लगी हुई है वो इन्फॉर्म करते हैं खाते तो से पूछ के गई है बाहर निकल रही है मतलब अजीब अजीब सी बात है तो ये जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं और वेस्ट को दिखाने के लिए कभी आप और मैं पता नहीं क्या कुछ करते हैं देखें ना ये आजकल क्या होता है कि भाई वी वॉन्ट टू तो टेल यू कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी फ्रेंडली कल्चर हम फैशन शोज़ भी दिखा रहे हैं हम गाने भी दिखा रहे हैं लाइट कल्चर की भी बात हो रही है हम सिर्फ टेररिज्म नहीं है उसी में कहीं हम फिर रो रह रवा रवि की तरफ भी चले जाते हैं फिर आप और मैं बैठ के कहते ओ हो इंडियन कल्चर आ गया ये आ गया तो ये चीज़ें सारी जो हैं ये सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है जो भी आप आ, किसी भी ह्यूमन राइट्स के इशू पे अगर बात करें आ, और इसीलिए यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि एन सेक्टर इस चीज़ को प्रोपोगेट करता है और इसको करता है मैं कहती हूँ कि जो हमारे रिलीजस स्कॉलर हैं उनको नई चीज़ें नज़र आ रही होती वो जो पॉलिटिकल हैं सिर्फ उनको हाथ लगाते हैं बाकी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते तो वहाँ पे भी बाइसेज हैं इट्स नॉट ओनली दैट एकेडमिक्स और द इज़ है रिलीजस स्कॉलर्स हैव है और अभी तक अगर ये बात नहीं आपको पता चली तो आज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एक फेमिनिस्ट जो इस्लामिक फेमिनिस्ट हैं उनकी ये भी बहुत बड़ी कंटेंशन है कि जो इंटरप्रटेशन है होली कुरान की वो ज़्यादातर मेल्स ने की हुई है तो इट हैज़ अ मेल बाइस इन दैट बिकॉज जो वो समझते हैं ज़ाहिर है वो अपनी सोच से बात कर रहे हैं ना तो वो उन इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे जो जैसा वो इंटरप्रेट करना चाहते हैं बिकॉज़ आपको ये भी पता है कि जो अरबी लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे मानी हैं फिर किस ज़माने में वो जो है गो के कुरान जो है वो हमेशा के लिए है लेकिन उसकी जो कंटेंशन है जो हमटिकल इंटरप्रटेशन है वो उस कॉन्टेक्स्ट की है ठीक है अब हज़रत नू वाला वो जो सैलाब है या वो कश्ती वाली बातें अब तो नहीं है ना वो उस कॉन्टेक्स्ट की बात है तो ये भी जो इस्लामिक फेमिनस हैं बिफोर आई प्रोसीड आई वॉन्ट टू से मोस्ट ऑफ़ दैम मोस्ट ऑफ दैम दे बिलीव इन दिस के जो चाहे वो मौदूदी की ट्रांसलेशन है चाहे वो पिकथाल की ट्रांसलेशन है चाहे यूसुफ अली की ट्रांसलेशन है चाहे आपको और बहुत लोगों के नाम आते होंगे उनकी ट्रांसलेशन हैं ऑल दोज आर मैन सो वीमन हैव स्टार्टि गिविंग ट्रांसलेशन एज वेल सो अच्छा तो इसके साथ साथ uh, uh, जो इस्लामिक फैमनिज़म्स हैं उसमें डिफरेंट स्ट्रेंड्स हैं जैसे आपने कल पढ़े थे वो मैं आपको डिस्टिंगट आज करूँगी लेकिन बेसिकली uh, जब आप और मैं किताब पढ़ते हैं तो हमें तीन तरह की फैमनिस्ट नज़र आती हैं एक जो है अपने आपको मुस्लिम फैमनिस्ट कहलाती हैं एक जो हैं इस्लामिक फेमिनिस्ट कहलाती हैं एक जो हैं इस्लामिस्ट फेमिनिस्ट कहलाती हैं ठीक है मगर तीनों का कनेक्शन इस्लाम से है और वो उसके अंदर ढूंढती हैं अपने राइट्स के इश्यूज को तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आ, सिर्फ ये जब आप फॉर एग्जांपल मुस्लिम फेमिनिस्ट पढ़ रही हैं तो कोशिश करें समझें कि अच्छा ये क्या बात हैं और ये किस मुल्क के लोग हैं किस मुल्क के खातान या मर्द हैं जो इस पर बात कर रहे हैं बेसिकली उनके स्ट्रैंड्स अभी आगे, आगे आपको जब समझ आएगी तो डोंट गेट कन्फ्यूज वेदर और मेजोरिटी जो हैं उनको इस्लामिक फैमनिस्ट कहा जाता है ठीक है ये याद रखिए अच्छा आज मैं कोई आ, हिस्ट्री में नहीं जाना चाहती कि मैं इज़म्स को एक्सप्लेन करना चाहती थी और एक लेक्चर हिस्ट्री पे इस्लामिक फेमिनिज्म की या विमेंस मूवमेंट जो इस्लाम या मुस्लिम वर्ल्ड में है उस पर होना चाहिए था लेकिन ये ये शायद पाँच पॉइंट्स में शायद आपको समझ एक बात आ जाए और असल बात है कि खुद पढ़ोगे तो चीज़ें समझ आएंगी लेकिन ये मैं बताना चाहती हूँ जो मैंने अपने पहले दिन लेक्चर में फेमनिज़म के लेक्चर में कहा था कि विमेन राइट्स का जो Uh, जो स्ट्रगल है वो इस्लामिक वर्ल्ड में हमेशा से था ठीक है और uh, मेरे अंडरस्टैंडिंग में होली प्रॉफिट पहले फेमिनिस्ट थे मर्द थे हजूर पाक पहले फेमिनिस्ट थे बच्चियों को दरगोर किया जाता था ना? जो आपको बड़ी मेन एग्जांपल्स पता है ना तो उन्होंने कहा कि ये बंद करो और फिर औरत के राइट पे कितनी बातें की हैं आखिरी खुतबे पे आप देखें उससे पहले कितनी बातें और ये नहीं कि ये सोल लेस है इसको तहस नहस कर दो ये पैदा होती है तो मतलब क्यों तो ये वो जो मैंने आपको ज़रा सी हिस्ट्री खींची थी ना कि क्यों कैसे औरत प्रॉपर्टी बनी वो याद रखिए तो ये वो उसके बहुत बाद के ज़माने हैं जिसमें कि औरत को बच्ची को दरगोर किया जा रहा था और उन्होंने कहा तो मेरे लिए मेरे जो हजूर पाक हैं वो पहले फैमनिस्ट हैं और एक और बात कहना चाहती हूँ कि हजूर पाक की नबूत के ऊपर जो पहली बैत है वो एक औरत की है उनकी बीवी जिनकी उम्र उनसे बड़ी थी एंड शी सेड आई बिलीव इन यू तो कहाँ औरत मतलब हजूर पाक की रेकग्नीशन एज ए प्रॉफिट एक औरत दे रही है तो वो उस अल्लाह ने चाहा तो दिया ना तो फिर कहाँ उसकी आदि गवाही और ये और वो बातें तो ये सिर्फ सोचने के लिए आप लोगों के लिए मैं ये छोड़े देती हूँ बात अच्छा जो रिटर्न हिस्ट्रीज़ हैं इससे पहले की भी बहुत रिकॉर्ड्स हैं और इतफाक़न मैंने किसी ना किसी वजह से चीज़ें पढ़ी है और आई हैव मेनी मेनी रेफरेंसेस लेकिन कासिम अमीन जो हैं उनको इजिप्शियन फेमिनिस्ट मूवमेंट का अलंबरदार कहा जाता है और उन्होंने 1899 में आपने जो विमेन मूवमेंट वेव्स पढ़ी हैं वो भी कहीं इसी ज़माने में होती हैं ना शुरू तो फॉर यू आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि विमेन लिबरेशन जो एक किताब लिखी जाती है बाई कासिम अमीन इन 1899 दैट वाज इन इजिप्ट एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट इजिप्शियन फेमिनिस्ट मूवमेंट और वो भी उन्हीं बेसिक राइट्स पे बात कर रहे थे इसको तालीम दे दो ये जो काम करती है उसकी पेमेंट कर दो और इसके जो इश्यूज़ हैं फैमिली के उनको इसको इंसान समझ के सॉल्व करो तो यही चीज़ें थी अच्छा फिर नाइनटीन में फैमनिज़म के लिए एक लफ्स नसाए इस्तेमाल होता है डिफरेंट किताबों में फिर इस, इसी तरह से अल अल इतहादल अलमसरी तो आप देखें कि इजप्शियन फेमनिस्ट यूनियन 1923 में बनती है फिर मलिक हिफनी नासिफ़ इन uh, 1909 में वो बात करते हैं अल निसाइयत पे और इसी तरह से अन तहवियत जो है विमेनस्ट्स uh, निसावियत री मेकर्स ऑफ वीमेन तो ये अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ये सब रेफरेंसेस मिलते हैं विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू वॉट फ्रेंच इनिशली यूज़ द वर्ड फेमनिज़म या फेमनिज़्म वो जो जिस तरह से उनका वो प्रोनाउंस होता है तो ये अब आपने जिनको इंटरेस्ट है वो मज़ीद पढ़ें आपकी अपनी रीडिंग्स में भी ये चीज़ें हैं और आजकल तो मैंने कल परसों दो आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त डाउनलोड किए माया यमनी के इसी तरह से आमिना वदूद की जो किताब है कुरान एंड विमेन पूरी किताब है तो ये चीज़ें जिनको इंटरेस्ट है वो टटोलें और उनको पढ़ें ताकि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसी तरह से नीलोफ़र गियोल जो हैं इन 1990 अच्छा 1990s वो ज़माना है जिस पे के इस्लामिक फेमिनिज्म पे ज़्यादा लिखा जाने लगा और नीलोफर ने लिखा कि दी फॉबिडन मॉडर्न जो है उसके बारे में कि औरतों के लिए जो फॉबिड किया जाता है ना उसके बारे में उस न्यू कॉन्सेप्ट को लिखा इसी तरह से मागट बद्रा हैं उन्होंने ओपनिंग द गेट्स अ सेंचुरी ऑफ अरब फेमिनिस्ट राइटिंग्स तो यू कैन इमेजिन हिस्ट्री पूरी ट्रेस की जा रही है इसमें फिर इस, इसी तरह से फेमिनिस्ट आ, इस्लाम एंड नेशंस एक्सप्लोरिंग इस्लामिक फेमिनिज्म और अभी जो मैं आपसे माया यमनी की बात कर रही थी 1996 में फेमिनिज्म एंड इस्लाम पे इन्होंने आधा चार सेक्शन हैं इस किताब के उसमें हिस्ट्री को वो ट्रेस करती हैं इजिप्शियन फेमिनिज्म को वो ट्रेस करती हैं और लेटेस्ट जो फेमनिज़म के कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर ये बात करती हैं तो देर दे आर मैनी बुक्स एंड नाउ मैनी बुक्स आर कमिंग आप जो मेरी अभी रिसेंट uh, जो पर्दे पर मेरी अपनी किताब जो पब्लिश हुई है संगे मील वालों ने की है उसमें एक पूरा चैप्टर फेमनिज्म पे है बिकॉज विदाउट अंडरस्टेंडिंग ऑल दैट आई कुड नाट यू नो कॉम्प्रीह द होल थिंग तो वो भी uh, एक नई एडिशन है इसी साल पब्लिश हुई है तो जैसे मैं आपको कह रही थी कि जब आप किताबें खोलेंगे या डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे तो तीन किस्म के आपको फेमनिस्ट नज़र आएंगे जिनको एक्सप्रेशन में मतलब फेमनिज़म का एक मुस्लिम फेमनिस्ट हैं क्योंकि जब आप अपने आप को टटोल रहे होते हैं ना तो फिर समझ नहीं आ रही होती कि कैसे नहीं मेरी मुस्लिम आइडेंटिपॉर्टेंट है तो मैं अपने आप को मुस्लिम फैमनिस्ट कहलाना चाहती हूँ कोई कहता नहीं कि मुस्लिम की बात नहीं इस्लाम इस्लामिक फेमिनिस्ट कहलाना चाहती हैं तो इस तरह से ये डिफरेंट है सो so, बेसिकली uh, एक एक जैसे स्टैंड हैं इनके लेकिन मैंने सोचा ये क्लियर कर दूँ आपको कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम फेमिनिस्ट कहती हैं कि दे बिलीव इन इस्लाम ऑफ कोर्स जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करना चाहते हैं बट ऑल्सो टेंट टू यूज़ आर्ग्यूमेंट आउटसाइड इस्लाम सच एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑल्सो तो ये कहती हैं कि वी ऑल्सो वी वॉन्ट टू लुक इन टू वीमेन राइट इस्लाम लेकिन जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं उसको भी मद्द नजर रखना चाहिए जब हम फेमनिज़म मुस्लिम कंट्रीज़ में फेमनिज़म की बात करते हैं अभी आप लोगों ने शायद सीडो वगैरह को नहीं पढ़ा होगा लेकिन अगले वाले सेमेस्टर uh, में जब सीडो आप पढ़ेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस समझ आएगी कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड राइट्स इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका एक कन्वेंशन है जो सीडो है वो विमेन राइट्स से रिलेटेड है उन्होंने ये देखा कि इंटरनेशनल में कहीं वो गुम जाता है तो लेट्स स्पेसिफिकली टॉक अबाउट वीमेन राइट्स सो कन्वेंशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन वीमेन का जो है वो इन्होंने फिर किया मैं फैसलाबाद में मैंने पूरी स्टडी की है समानी से एक फाइनली एक मेजर की भी बीवी आ गई और उसमें और किसी और में डिफरेंस भी था लेकिन आम जो वहाँ के लोग थे ना तेज़ सी जो औरत है ज़रा ऊंची आवाज़ में बात कर बीवी तू आ जा फिर और वो उस तरह की भी ख़वातीन आईं तो आप देखिए कि वो किस तरह की प्रिविलिज़ में थी और फिर औरत जो जिसको मैं मेजर की बीवी भी कह रही हूँ कि शायद वो बेहतर थी वो भी उसी डिस्क्रिमिनेशन से पली बड़ी है और उधर तक आई है तो वो बहुत टाइम लगेगा कि जितना मर्द हमारा अवेयर है आम सा मर्द अवेयर है उसको पता है इस त्यौहार के पीछे क्या है उधर क्या है क्योंकि वो जाता है उधर आप तो उधर जाती नहीं है आपको तो ये पर्दा भी हटाने की इजाज़त नहीं है कि देखो कि बेपर्दगी हो जाएगी तो दे आर नॉट अवेयर गिव दम टाइम बट ऑन दी अदर हैंड अगेन आई वॉन्ट टू रेफर टू आ रिसेंट रिसर्च जो पार्लियामेंट में जितने अमेंडमेंट बिल्स हैं मेजॉरिटी और ये अयास सादिक जो बेचारे इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है ही सेड आई एम इम्प्रेस्ड बाय वमेन कि वो जागती हैं तो पॉजिटिव्स uh, uh, भी हैं बट वी नो कि क्यों नहीं है तो ये जो, ये जो लास्ट चीज़ थी वो बात हम कर रहे हैं